Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anita Chopra here and today we'll be discussing the topic of phrases. Phrases basically are the part of sentence which does not make complete sense. ऐसे sentence होते हैं जो complete sense नहीं बनाते हैं, plus इसमें finite verb भी नहीं होता है. But how further it has been divided, sometimes it act as a noun, sometimes it act as a adverb and sometimes it acts as a adjective in the sentence. Sentence में कई बार phrase as a noun function करता है, as a adverb function करता है या फिर as a adjective function करता है, right? Now how you will be identifying? आप कैसे पहचानो कि ये noun phrase है, ये adjective phrase है या फिर ये एक adverb phrase है? I'll tell you the simplest way, जिसे आप आसानी से sentence पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये noun phrase है, adverb है या फिर adjective phrase है, ठीक है? First one, मैंने आपको सबसे पहले आपको बताया कि phrases होते क्या हैं? Phrases are part of sentence, sentence के part तो होते हैं ये, but ये ऐसे sentence के part होते हैं which does not make the complete sense in the sentence. इनको पढ़ने से आपको सब कुछ meaning clear नहीं होता है, प्लस इसमें फाइनाइट वर्ब होता ही नहीं है सेंटेंस में, राइट? फर्स्ट हम बात कर लेते हैं नाउन फ्रेज के बारे में, राइट? नाउन फ्रेज जो होता है, मैंने कहा कि समटाइम्स एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, तो कैसे उसे पहचानेंगे? लेट अस टेक एन एग्जांपल, वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल हियर, अगर मैं लिखूं आई लव ड्रॉइंग पिक्चर्स, I love drawing pictures, ठीक है, ये sentence है and आपको बोल रखा है इसमें you have to identify the noun phrase in this. कैसे पहचानोगे इसमें noun phrase है? That is in this sentence आपको बताया हुआ है I love drawing pictures, ठीक है? So you have to ask the question what to the sentence. आपको what वाला question पूछना है sentence से, that is what I love, ठीक है? इस सेंटेंस में आप लगा दो व्हाट आगे, व्हाट आई लव, आपको जो आंसर मिलता है वो क्या है? वो है नाउन फ्रेज, ठीक है? जैसे इस सेंटेंस में अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ व्हाट आई लव, व्हाट आई लव, आपको क्या आंसर मिला इसमें? दैट इज ड्राइंग पिक्चर्स, ठीक है, ड्राइंग पिक्चर्स. तो यहाँ पे ड्राइंग पिक्चर्स जो है ये क्या बन गया? आपका नाउन फ्रेज बन गया, क्योंकि आपको यहाँ व्हाट का आंसर मिल रहा है, ठीक है? नाउन फ्रेज क्लियर है. अब आ जाते हैं सेकंड फ्रेज, दैट इज द एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज वो होता है जो सेंटेंस में वर्ब के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, विच इज टेलिंग यू अबाउट द वर्ब इन द एक्शन, ठीक है? वर्ब इन द सेंटेंस, एक्शन के बारे में आपको बता रहा है ऑफ इन द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से हियर, एडवर्ब में आप कह सकते हो ही एंटर्ड द रूम क्वाइटली. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ही entered the room quietly, ठीक है? He entered the room quietly. Adverb of manner है क्योंकि लास्ट में ly आ गया, ठीक है? एम यहां पर आप देखो he entered room quietly. तो आप क्वेश्चन पूछोगे सेंटेंस से how he entered the room, वो रूम में कैसे एंटर किया? That is how he entered the room, he entered the room quietly, एकदम quietly उसने एंटर किया. So, यहाँ पर क्वाइटली जो है वो क्या बन जाता है? आपका एडवर्ब फ्रेज बन जाता है, क्योंकि ये है, ये आपको बता रहा है गिविंग द आंसर कि हाउ ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड द रूम क्वाइटली, ठीक है? ये आ जाएगा आपका एडवर्ब. अब एडवर्ब में आपके और भी टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है? अब एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर को आप लोग कैसे पहचानोगे, राइट? कैसे पहचानोगे? दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में पहले बात कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर जो है विच दैट टेल्स यू दैट हाउ द एक्शन वॉज टेकन प्लेस, आपको बताता है हाउ द एक्शन वॉज टेकन प्लेस इन द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. ही runs very fast, he runs very fast. यहाँ पर adverb of manner क्या होगा? कैसे run करता है वो? He runs very fast, ठीक है? ये हो गया आपका adverb of manner. Second हम बात कर लेते हैं adverb of place के बारे में. Adverb of place, place में ये आपको answer देता है where का, ठीक है?
adverb of place में this give you the answer of where. Okay, ये where के बारे में आपको answer देता है. इसको भी हम समझ सकते हैं एक example से, that I looked for him in all places. अब ये क्या है, कहां पर उसे हमने देख लिया, I looked for him in all places. तो ये सारी जगह के बारे में बात हो रही है, that means this is the adverb of place. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं adverb of time के बारे में. ठीक है, adverb जो time है वो आपको बताता है when the action was taken place. ठीक है, थर्ड वन दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, जो आपको क्या बताता है, व्हेन द एक्शन वाज टेकन प्लेस. व्हेन का आंसर आपको सेंटेंस में मिलता है. सपोजिंगली दे विल गो अर्ली इन द मॉर्निंग. कब जाएंगे वो, अर्ली इन द मॉर्निंग जाएंगे. ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग. व्हेन दे विल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइम का पता चल गया, दैट इन दिस अर्ली इन द मॉर्निंग आपको व्हेन का आंसर मिल रहा है, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है, अब हम जो लास्ट है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज फ्रेज जब एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है सेंटेंस में. एग्जेक्टिव वो होता है जो नाउन के बारे में आपको बताता है. ठीक है, विच डिस्क्राइब्स द नाउन इन द सेंटेंस. जैसे अगर मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर, वी कैन अंडरस्टैंड दिस एज विद एन एग्जाम्पल, दैट इज वी बॉट ए गोल्डन वेस्ट वॉच. राइट, वी बॉट ए गोल्डन वेस्ट वॉच. अब यहाँ पर एडवर्ब, यहाँ पर जो फ्रेज एग्जेक्टिव फ्रेज है वो कौन सा है, यहाँ पर कैसी, आपको मैंने आपको बताया सेंटेंस में यू हैव टू क्वेश्चन द व्हाट, दैट इज व्हाट वाज ब्रॉट, कैसी थी वो वॉच, इट वाज ए गोल्डन वेस्ट वॉच. ये ठीक है, वो वॉच के बारे में आपको बता रहा है, दैट मीन्स एग्जेक्टिव क्या हुआ यहाँ पर, गोल्डन हुआ, विच इज टेलिंग यू दिस इज अ एग्जेक्टिव फ्रेज इन द सेंटेंस. ठीक है, एग्जेक्टिव फ्रेज जो है वो क्या है इसमें, गोल्डन है, बिकॉज दैट इज यू डिस्क्राइबिंग द नाउन इन द सेंटेंस, कि विस्ट वॉच है वो कैसी है, दैट इज गोल्डन. ओके, आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्रेसेस टुडे. फ्रेसेस के बारे में मैंने आपको ये बताया कि दीज आर द सेंटेंस विच आर इनकम्प्लीट, इट इज नॉट मेकिंग द कम्प्लीट सेंस, प्लस इट इज नॉट हैविंग द फाइनाइट वर्ब ऑल्सो, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. ये फॉर द थ्री टाइप्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट वन इज नाउन, देन इज एडवर्ब एंड देन इज एग्जेक्टिव. तीनों के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में बताया, कैसे आपको पहचानोगे कि ये मैनर का है, कैसे आप पहचानोगे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कैसे आप पहचानोगे दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है, आई होप द वीडियो इज क्लियर एंड द टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर टू यू. इफ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब इट. इफ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एवरी वन.